कर्नाटक में कांग्रेस जीत की और हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री के.एस. मुनियप्पा। के.एस. मुनियप्पा कर्नाटक से आते हैं, कई बार के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, सरकार बना रही है, किसका किसको श्रेय देंगे मुनियप्पा जी? कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगा, आम आदमी कांग्रेस सरकार बनने के लिए सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सोनिया गांधी का मार्गदर्शन नेतृत्व में आज दक्षिण भारत में फिर बीजेपी को नए मांग किया आम आदमी। अभी निश्चित रूप में एक ही दल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार बनेगी। श्रेय किसको देते हैं आप? मैडम के ऊपर है, मैडम डिसाइड करना पड़ेगा। अब एसएम कृष्णा तो करीब करीब रिटायर हो चुके हैं, आप सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, आप चाहेंगे आलाकमान आपको बड़ी जिम्मेवारी सौंपे वहाँ पे? नहीं, मैं मैडम मैच टू डिसाइड, मैडम का जिम्मेदारी में है, क्या मैडम डिसाइड करेगा इसका? मैं आप वरिष्ठ नेता हो आके, ठीक है, वरिष्ठ नेता को इधर भी जगह दिया ना। मुनियप्पा जी एक सवाल और, आप किसके बीजेपी करप्शन को लेकर मुद्दा बना रही थी, वहां पे हारी है, नरेंद्र मोदी तक ने प्रचार किया, तो बीजेपी हारी क्यों? सरकार में थी, अब तीसरे नंबर पे चली गई। कर्नाटक में बहुत बीजेपी 3 मुख्यमंत्री को चेंज किया, वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं, भ्रष्टाचार भी है, इसके बारे में आम आदमी डिसाइड किया, कांग्रेस चाहे कांग्रेस को मजबूत करना सपोर्ट किया, इसके बारे में कांग्रेस एक ही था सरकार बने। नरेंद्र मोदी की रैलियों से काम नहीं चला बीजेपी का? दक्षिण में नहीं चलेगा, ठीक है। मुनियप्पा जी का साफ मानना है कि कर्नाटक में मोदी नहीं चलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा श्रेय सोनिया गांधी को देना है। के.एस. मुनियप्पा, कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।